परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, लेकिन बाद में इनके बीच समझौता हो गया था। तब हरिद्वार से प्रयागराज पहुंचे आनंद गिरी अपने गुरु स्वामी नरेंद्र गिरी के पैरों पर गिरकर माफी मांग ली, और वहीं गिरफ्तारी से पहले महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है और इसके पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए, जिन लोगों ने सीधे तौर पर गुरु जी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझकर के मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है। और अमित सिंह इस वक्त आनंद गिरी के आश्रम से हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, देखिए आनंद गिरी की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन अभी क्या सबूत मिल पाए हैं? देखिए, आनंद गिरी के शिष्य जो कि यहाँ हमेशा रहते हैं 24/7, उनसे हमारी बातचीत हुई है, पंडित उनको कहा जाता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि आखिरी बार आनंद गिरी की जो मुलाकात हुई थी अपने गुरु से वो हुई थी मई महीने के बाद उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई है, और गुरु पूर्णिमा के वक्त दिन भी आनंद गिरी जो है इसी आश्रम में वो बने हुए थे, इसी आश्रम में थे, इस आश्रम से वो कहीं गए नहीं थे। और ये बताया कि ये निर्माणाधीन आश्रम है और ये आश्रम किसी या किसी मठ का नहीं है, ये आनंद गिरी का खुद का अपना ये आश्रम है। ग्राउंड फ्लोर इसका बन के पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, ग्राउंड फ्लोर पर ही वो आनंद गिरी जो है वो रहते थे, और आनंद गिरी जो है यहाँ पर अपने शिष्यों के साथ रहते थे, यहीं पूजा अर्चना करते थे। और बताया जा रहा है कि भूमि विवाद और लंबे समय से चल रहा था उनके अपने गुरु के साथ, और भूमि विवाद के अलावा और भी कई विवाद है। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बनवाने के लिए भी जो कंस्ट्रक्शन जो निर्माणाधीन कार्य यहाँ पर रुका हुआ है, इसका भी वो काम करवाना चाह रहे थे, कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाह रहे थे पूरी तरीके से कि ये बिल्डिंग भी पूरी तैयार हो जाए। तो इस वजह से वो अपने गुरु से कई बार उनकी बातचीत हुई थी, लेकिन जिस तरीके के जो बयान आनंद गिरी ने दिया है गिरफ्तारी से ठीक पहले कि ये पूरी तरीके से साजिश है, फिलहाल प्रयागराज पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर बीती रात की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही सुसाइड की खबर आई, प्रयागराज पुलिस ने हरिद्वार पुलिस को कांटेक्ट किया और LIU की टीम यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के जो इंस्पेक्टर है वो यहां पर पहुंचे, उन्होंने आनंद गिरी से पूछताछ शुरू की। उसके बाद लोकल पुलिस यहां पर पहुंची, DSP रैंक के अधिकारी यहां पर पहुंचे, और उसके बाद फिर जो है प्रयागराज पुलिस यहां पर पहुंची। प्रयागराज पुलिस यूपी पुलिस ने तकरीबन 1 घंटे तक यहां पर आनंद गिरी से पूछताछ की है, और पूछताछ जाहिर तौर पर 8 से 10 पन्नों का जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसी सुसाइड नोट के सिलसिले में पूछताछ हुई है, क्योंकि उसमें आनंद गिरी को लेकर बातें कही गई थी और उसी को लेकर पूछताछ हुई, और 1 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके सबसे पहले यहां से उन्हें सहारनपुर लेकर जाया गया, फिर सहारनपुर में यूपी पुलिस ने गाड़ी बदली है, और फिर सहारनपुर से लेकर सीधे उन्हें प्रयागराज लेकर जाया जा रहा है रास्ते में। और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में अगले आधे घंटे या 45 मिनट में आनंद गिरी को लेकर पुलिस प्रयागराज पहुंच जाएगी, और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला है शिवानी, वो इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लगातार पूछताछ होगी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन भी आनंद गिरी नहीं पहुंचे थे अपने गुरु के पास, अब यानी साफ था कि नाराजगी कहीं ना कहीं थी, वो नाराजगी किस लिए थी? जी बिल्कुल। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत मामले में सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच होगी। जो सुसाइड नोट बरामद हुआ था 12 पन्नों का सुसाइड नोट, अब उसकी भी फॉरेंसिक जांच होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, महंत नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुसाइड नोट की अब फॉरेंसिक जांच की जाएगी। 12 पन्नों का यह सुसाइड नोट बताया जा रहा था, इसमें कौन उत्तराधिकारी होगा, किसने क्या किया, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस इसकी भी फॉरेंसिक जांच करेगी। अजीत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, अजीत और क्या जानकारी है इसको लेकर?
देखिए शिवानी, आपको तीन बड़ी बातें इस मिस्ट्री की बारे में बताना चाहते हैं। पहला, क्या नरेंद्र गिरी किसी मानसिक प्रेशर में थे, उनका कोई वीडियो बनाया गया या उन्हें किस तरह से मानसिक प्रताड़ित किया, प्रताड़ना दी गई, इस बात की जांच भी प्रयागराज पुलिस कर रही है। इसके साथ दूसरी बात, सुमित, सर्वेश और धनंजय, ये उनके तीन शिष्य थे जिन्होंने दरवाजा तोड़कर उनके शव को पंखे से नीचे उतारा, वो जो रस्सी थी नायलॉन की उसे कब्जे में ले लिया गया। तीसरी बात, जॉर्ज टाउन में अमर गिरी जो नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें आनंद गिरी का भी नाम है, उस रस्सी को भी कब्जे में ले लिया गया। जॉर्ज टाउन के जो SHO हैं महेश, उन्होंने इस पूरे मामले की विवेचना शुरू कर दी है। IG खुद कबीर प्रताप सिंह इसको लीड कर रहे हैं और आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे, एक अंदर की एक बाहर की। इस वक्त हम ऊपर आ गए हैं, नीचे से वो तस्वीरें नहीं दिखाई जा सकती थी शिवानी, तो आप देखिए पूरे प्रांगण में पुलिस फोर्स के अलावा आपको सिर्फ मीडिया के लोग दिखेंगे, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात होगी क्योंकि अब से थोड़ी देर में ही अलर्ट है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे। और दूसरी तस्वीर अगर आपको सड़क के बाहर की तरफ दिखाएं तो यहाँ भी भीड़ लगी है और रीता बहुगुणा जोशी जो सांसद हैं प्रयागराज की वो भी बाहर पहुंची है, अब अंदर जा रही है। तो यहाँ इस पूरी रो को भी, जो रोड है उसको भी खाली कराया गया है। तो इस मर्डर मिस्ट्री, क्या ये मर्डर है या आत्महत्या, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरह का व्यक्तित्व था नरेंद्र गिरी का वो आत्महत्या नहीं कर सकते और इसकी पीछे बड़ी वजह थी। और एक क्ल्यू और है, वो सुसाइड नोट जिसके आधार पर यूपी पुलिस विवेचना को आगे बढ़ा रही, फोरेंसिक टीम ने अलग अपनी जांच की है, यूपी पुलिस की जो दूसरी टीमें हैं अलग अपनी जांच कर रही हैं शिवानी। इसके साथ ही जो सुसाइड नोट में उन्होंने जिक्र किया है कि आनंद गिरी उन्हें प्रताड़ित करते थे, आनंद गिरी के साथ दो तीन नाम उन्होंने जो लिखे थे उसमें आद्या तिवारी, संदीप तिवारी, इन तीनों की गिरफ्तारी ऑफिशियल पुलिस ने कर ली है। आनंद गिरी को अब से थोड़ी देर रायबरेली पहुंचे थे, थोड़ी देर में घंटे से दो घंटे के अंदर उन्हें प्रयागराज लाया जाएगा और अभी भी उनसे पूछताछ जारी रहेगी। हनुमान मंदिर जो प्रयागराज के पुजारी हैं आद्या तिवारी, उनके बेटे की गिरफ्तारी कर ली गई है और उनका जो पार्थिव शरीर है आनंद गिरी का, वो कच्छ एक बार दिखाते जिसमें आपको एयर कंडीशनर AC लगा हुआ दिख रहा होगा सफेद पंडाल के ऊपर, यही वो कच्छ था जहां पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का जो शव है वो पंखे से लटका हुआ मिला था जब वो नीचे नहीं आए 4 बजे के आसपास। उनके इन्हीं तीन, बिल्कुल, यानी कि कुछ ही देर है कि आनंद गिरी को लेकर यूपी पुलिस यहां प्रयागराज भी पहुंच जाएगी और जो सुसाइड नोट निकला है उसको भी, उसकी भी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। नरेंद्र गिरी के संदिग्ध हालात में मौत के मामले में आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इनके घर वालों ने उन पर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। घर वालों का कहना है कि इन्हें किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। हमारे पति बहुत अच्छे थे, हमारे ससुर भी बहुत अच्छे थे, उनको सब लोग फंसाए गए हैं, फंसा रहे हैं, बहुत अच्छे थे वो लोग। इस गांव में भी पता आप लोग लगा सकते हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे पति, हमारे देवर और मेरे ससुर को फंसाया गया है। आप लोगों से यही प्रार्थना है कि उन लोगों को कोई ना आपत्ति आए उनकी। वहाँ मंदिर से जुड़े हुए थे, अब वहाँ क्या कैसे हुआ है हम लोगों को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। पहले कच्चा मकान था, अठारीदार मकान हमारा पूरा पक्का कच्चा मकान बना हुआ था, उसके बाद गिरा करके इसको पक्का बनाया गया। हम लोग छोटे छोटे थे, 20-22 साल के, तब उनका कच्चा मकान था, मगर जब से जानकारी हम लोग की है तब से तो उनका पक्का ही है।